आरओपी या रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। यह नवजात शिशु की आंखों की बीमारी होती है। यह उन बच्चों में होती है जो कि 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं और उनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है। इसके अलावा जो बच्चे ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे हों, जो कि इंक्यूबेटर में रखे गए हों, या उनको अन्य प्रकार की समस्याएं हों, जैसे कि इन्फेक्शन होना जिसको कि सेप्सिस कहते हैं, खून की कमी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रेन में हैमरेज या क्लॉट हो जाना और हार्ट की बीमारी होना। ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी में यह परेशानी देखी जा सकती है। इसलिए यदि बच्चा फुल टर्म पैदा हुआ है, जिसका मतलब है कि 9 महीना होने के बाद पैदा हुआ और उसको इस प्रकार की कोई समस्या रही है, तो ये आवश्यक है कि उसकी आंख की जांच कर ली जाए। प्रीमैच्योर बच्चे की आंख बाहर से पूरी तरीके से बन जाती है, पर उसके पीछे का पर्दा, जिसको कि रेटिना कहते हैं, वह पूरी तरीके से नहीं बना होता और उसमें खून आने की संभावना होती है। यदि ऐसा लगता है कि आंख में खून आ सकता है, तो आपके आंख के डॉक्टर, जो कि इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, लेजर या इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकते हैं, जिसको यदि समय से कर दिया जाए तो आंख बचाई जा सकती है, नहीं तो आंख का पर्दा उखड़ सकता है और बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और आई ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। बच्चे की आंख में दवा डाली जाती है और उसकी पुतली पूरी तरीके से फैलाई जाती है और उसके बाद आंख के पर्दे की जांच की जाती है। यह टेस्ट कई कई बार करना पड़ सकता है, तो आपके डॉक्टर एक एक हफ्ते में बच्चे को बुलाएंगे और यह जांच करेंगे। यह टेस्ट तब तक किया जाता है जब तक आंख का पर्दा पूरी तरीके से बन नहीं जाता, और अगर बीच में इलाज की जरूरत पड़ती है तो बच्चे को इंजेक्शन या लेजर का ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। आरओपी ट्रीटमेंट के बाद भी इन बच्चों में और कई तरीके की आंख की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आंख में तिरछापन होना और आंख में चश्मा लगना, तो यह आवश्यक है कि उनका रूटीन आई चेकअप होता रहे। और यह परेशानी प्रीमैच्योर बच्चों में भी हो सकती है, जो जिनको कोई आरओपी कभी ना रहा हो, तो जागरूक और सावधान रहें और आंख की जांच कराते रहें। धन्यवाद।